गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक आपने प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के नियम से पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हीरोन के नियम से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी अगर चतुर्भुज ले हम, किसी भी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज, उसको हम आसानी से दो त्रिभुजों में विभक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं होगा जिसको हम दो त्रिभुजों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो सिंपल सा तरीका है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का हीरोन के नियम से ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिएगा हम इस पेन का वजन ज्ञात करना है, एक बार ढक्कन का वजन ज्ञात कर लिया, एक बार इसका वजन ज्ञात कर लिया, दोनों का जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, पेन के बराबर होगा। इसी प्रकार से किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम उसको दो त्रिभुजों में विभक्त कर लेंगे, उसके पश्चात दोनों त्रिभुजों का हीरोन के नियम से ज्ञात करके दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हम एक पहला सवाल लेते हैं जिसके अंतर्गत आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, कहा गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी का मान 9 मीटर, बीसी का मान 12 मीटर, सीडी का मान 5 मीटर तथा एडी का मान 9 मीटर है तथा कोण सी 90 डिग्री है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र हमें स्वयं को बनाना पड़ेगा। एबीसीडी यहाँ 90 डिग्री कोण था, इसलिए हम इस कोण को, इस बिंदु को नीचे ले लिया, वैसे आपकी इच्छा के आधार पर। अब यहां पर हम देखते हैं दो त्रिभुज विभक्त हो गए, इस त्रिभुज की भी दो भुजा हैं, इस त्रिभुज की भी दो भुजा हैं, यानी हमें ये भुजा बीच की कौन सी बीडी हमें ज्ञात करनी है। अब हमें विचार करें त्रिभुज बीसीडी में, देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा को आपको याद होगा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, ये आधार ये लंब, और इसमें एक संबंध होता था जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाते थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसकी सहायता से या यो कहें बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अब यहां पर बीसी का मान हमें दे रखा था 12 का स्क्वायर, इसका मान दे रखा था 5 का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, बी डी स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ते हैं 169, बी डी का मान निकालते हैं 169 का वर्गमूल लेते हैं, कितनी आती है 13, यानी बी डी बराबर 13 मीटर। कहने का मतलब हुआ ये 13 मीटर आ गई इसकी भी। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, अब आप स्वयं कर सकते हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का किससे निकाल ले, हीरो के नियम से निकाल ले। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ए बराबर 13, बी बराबर 8, डी बराबर 9। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, थोड़ा अच्छा होता है कि यहां पर ये सी नए होकर डी बन गया तो डी का मान कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। अब देखिए अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, हम रख सकते हैं
13 प्लस 8 प्लस 9 बटे 2 जोड़िए, बताइए कितना हुआ। 13 और 8 कितने होते हैं 21, 21 और 9 कितने होते हैं 30, 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर हो गया एस का मान भी। अब हमें हीरो के नियम से या हीरोन के नियम से हीरोन के नियम से त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी हुआ करता था, तो एबीसी जब एबीडी है तो एबीडी, पीक्यूआर है तो एस माइनस पी एस माइनस क्यू एस माइनस आर लिखेंगे बराबर। देखिए एस का मान 15 माइनस कितना 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9 क्या करना है, घटाना है, घटाइए 2, 7 और कितना 6। अब वही काम, 15 के टुकड़े कर लीजिए, 3 × 5 × 2 × ये किसके टुकड़े कर दिए 6 के। अब देखिए कुछ ही, देखिए देखिए कैसे करते, देखिए अब 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 क्रम से लिख दिए, एक जोड़ा 2 × 3 अंडर रूट 5 × 7 6 अंडर रूट 35 वर्ग मीटर। क्योंकि यहां पर 6 × 5.9 बराबर 35.4 मीटर स्क्वायर, अंडर रूट 35 का मान होता है अंडर रूट 5.9। आप निकालना चाहें 35 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, देखिए जोड़े बनाया 50 25 कितने बच गए 10, कितने उतारेंगे 20.9 बार जाएगा 999, एक बचेगा 118, फिर 0, फिर नहीं गए तो फिर 0, फिर जाके तो 5.90 हुआ। हमने इसका मान कितना रख लिया 5.9। अब ये हमारे पास इसका आया है, अब क्या बच गया, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए बीसीडी का क्षेत्रफल, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उतारने के लिए। अब यहां से देखिए त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल
अब जब बीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें गौर से देखें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं इस त्रिभुज के। एक तो वही हीरो के नियम से, एक चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, बीसीडी कैसा है, समकोण है। समकोण त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई बटे दो। आधार कितना, 12 गुणा 5 बटे 2 बराबर 60 बटे 2 बराबर 30 वर्ग मीटर। चूंकि हमें किसका ज्ञात करना था, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब आगे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का बताइए, निकाला था ना 35.4 प्लस 30 पॉइंट है ही नहीं, 0.0 है नहीं, बराबर 65.4 वर्ग मीटर। ये हमारे इसके क्या आ गए, आंसर आ गए। गौर से देखिए चित्र, यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, 65.4 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत, एक बार समझिए। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट्स में या चैट में लिखकर हमें समाचार दीजिए। धन्यवाद।